जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जय सीड्स, जिसको हम हिंदी में हरा तेला या फुदका कीट के नाम से भी जानते हैं, ये कीट हमारी सब्जी वर्गीय फसलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये एक सकिंग पेस्ट होता है, यानी कि रस चूसने वाला कीट होता है, जो पत्तियों पर बैठकर उनका रस चूसने का काम करता है। ये स्पेशली जो हमारे कॉटन की फसल है, यानी कि कपास की फसल है, बैंगन की फसल है, भिंडी की फसल है, इन फसलों में ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अन्य जो सब्जी वर्ग की फसलें हैं उनमें भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये पत्तियों से क्या करता है, पत्तियों के ऊपर बैठकर उनका रस चूसता है, जिससे जो पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। भोजन जो पौधे हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ पर विपरीत असर पड़ता है। उसके साथ साथ इसका अटैक जब ज़्यादा होता है तो पौधे पर जो फ्लावर गिरने की समस्या है, या ऐसे समय जो फूल झड़ने की समस्या है या फल गिरने की समस्या है, वो भी उत्पन्न हो जाती है। उस तरह की समस्या भी हमें अपनी फसलों में देखने को मिल जाती है। देखिए, जब इसका अटैक बैंगन की फसल पर होता है तो जो बैंगन की फसल में छोटी पत्ती जो रोग आता है, लिटिल लीफ डिजीज जो आता है, वो भी इसी कीट के कारण आता है। जब इस कीट का अटैक होता है तो बैंगन में उस वायरस का प्रकोप देखने को मिलता है। देखिए, जब जेसिड्स का यानी कि हरा तेले कीट का अटैक किसी भी फसल पर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं इनिशियल डेज में जब इसका अटैक होता है तो पत्तियां किनारों की तरफ से मुड़ने लगती हैं, नीचे की तरफ को, और किनारों की तरफ से ही आपको वो येलो कलर की यानी कि पीले कलर की दिखाई देना स्टार्ट होती हैं। धीरे धीरे जब इसका प्रकोप बढ़ता है तो पत्तियां तांबे के कलर की हो करके और गिर जाती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बुरी तरीके से हमारे ग्रोथ को, हमारे उत्पादन को प्रभावित करता है, जो जेसिड्स होता है। देखिए, यदि हम जेसिड्स यानी कि हरा तेला फुदका कीट के लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका एडल्ट होता है, एडल्ट फिर अंडे देता है, और अंडों से निम्फ निकलता है इसका, और निम्फ से ये फिर एडल्ट बनता है। तो इसका जो एडल्ट होता है और निम्फ होता है, ये दोनों ही पत्तियों से रस चूसने का काम करते हैं, पत्तियों को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। यदि हम इसकी रोकथाम की बात करें कि इसकी हमें रोकथाम किस तरीके से करनी है, सबसे पहले यदि आप बीज को ट्रीटेड करके बोते हैं तो भी इससे कुछ हद तक आप कंट्रोल कर पाते हैं। यदि आपको लगता है हमारी फसल में लगातार आ रहा है, किसी फसल में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, आप कॉटन की फसल लगा रहे हैं, स्पेशली बैंगन की फसल लगा रहे हैं, तो उसके बीज को इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्साम में से कोई एक केमिकल ले लें और उससे उपचारित करके बोएं, तो इसकी जो समस्या है वो आपको कम देखने को मिलेगी। और उसके बाद यदि आपके किसी भी फसल में, खड़ी फसल में इसका अटैक है, सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं या आप इस कीट को देख पाते हैं अपनी फसल में, तो आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे दे सकते हैं, थायोमेथोक्साम के नाम से दवा आती है उसका स्प्रे दे सकते हैं। एक बहुत अच्छी दवा आती है जो केवल इसी को कंट्रोल करती है, वो आती है सैफिना के नाम से, बासफ कंपनी की, तो आप उसका स्प्रे देते हैं तो ये पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। और एसीटामाप्रिड के नाम से एक केमिकल आता है, आप उसका स्प्रे दे देते हैं तो भी ये कंट्रोल होता है। और जो रॉकेट के नाम से एक दवा आती है जिसमें प्रोफेनोपोज प्लस साइपरमेथिन केमिकल होता है, आप उसका स्प्रे दे देते हैं तो भी ये कंट्रोल हो जाता है। तो जो ये दवा बताई, इनमें से आप किसी का भी स्प्रे 7 से 8 दिन के अंतर पर 2 स्प्रे देते हैं तो इस कीट को आप पूरी तरीके से अपनी फसल पर कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम इसके जैविक कंट्रोल की बात करें कि ऑर्गेनिक तरीके से आप इस कीट को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो देखिए, ऑर्गेनिक में आप नीम के तेल का यानी कि नीम ऑयल का स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप जो येलो कार्ड आते हैं मार्केट में मिलते हैं, तो ये आप येलो कार्ड को लगा सकते हैं, यानी कि अपनी फसल में यदि ये पीले कलर के जो कार्ड आते हैं उनको जगह जगह लगा देते हैं तो भी ये कीट कंट्रोल हो जाता है आसानी से, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपकी फसल में कम आएगा। कार्ड के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि येलो ट्रैप कार्ड या अन्य जो भी कार्ड आते हैं वो कौन सा कार्ड किस कीट के लिए लगाते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले से मौजूद है, उसका लिंक मैं आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम इसके बायो कंट्रोल की बात करते हैं, यानी कि बायो एजेंट्स के तौर पर आप जैसे हमारे कोई मित्र कीट हैं उनको छोड़कर अपनी फसलों पर भी जो जेसिड्स है आप उसकी रोकथाम करा सकते हैं। तो इसके बायो कंट्रोल के लिए जो हमारा मित्र कीट आता है वो है क्राइसोपरला कीट। तो क्राइसोपरला कीट के जो अंडे होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं, एक भी कार्ड के रूप में मिलते हैं, उन कार्डों पर ही इसके जो क्राइसोपरला मित्र कीट होता है उसके अंडे होते हैं। तो उस कार्ड को जब हम अपनी फसलों पर जगह जगह टांगते हैं तो वहाँ से उन अंडों से क्राइसोपरला कीट निकल कर
और जो ये जेसिड्स इंसेक्ट होते हैं, जहाँ भी इनका निम्फ होता है, इनके अंडे होते हैं, तो उनको खाने का काम करते हैं, जिससे हमारी फसल पर इनका अटैक नहीं हो पाता है। तो आप क्राइसोपरला कीट के, जो हमारा मित्र कीट है, उसके 10,000 अंडे प्रति हेक्टेयर अपनी फसल में छोड़ देते हैं जिसमें भी इसका अटैक है, तो भी ये बायो कंट्रोल हो जाता है, यानी कि बायो एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। इससे भी आप जेसिड्स को, हरा तेला को आसानी से कंट्रोल अपनी फसलों पर कर सकते हैं। यदि आप मित्र कीटों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर एक और वीडियो मौजूद है, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया है कि मित्र कीट क्या होते हैं, कौन सा मित्र कीट कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, तो उनकी पहचान के बारे में हमने डिटेल में जानकारी दी है। तो उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप जो हमारा एजेसिड्स है, इसको आप, जिसको हम हरा तेला कहते हैं, फुदका कीट कहते हैं, इसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। फिर मिलूँगा मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।